पारा के लिए चीज सैंडविचेस बना दो। मैंने कुछ कहा है तुमसे? अच्छा, सुन अगर सुन लिया तो जवाब देने की तमीज नहीं है। जरूरी नहीं है हर चीज का जवाब दिया जाए, आपका काम हो जाएगा। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत। अरे तुमने आज बगैर पूछे ही मुझसे मुझे चाय ला के दे दी। क्योंकि आप इस वक्त चाय पीते हैं ना, तो मैंने सोचा आपके लिए चाय बना दूं। थैंक यू। अरे तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारे वालदेन आए हुए थे। वो आप उस वक्त सो रहे थे ना, तो मैंने इसलिए आपको उठाया नहीं। वो लोग थोड़ी देर के लिए आए थे, बस जा रहे ना, तो मुझसे उन्होंने सोचा कि मिलते हुए जाएं। तो बेटा तुमको उनके साथ जाना चाहिए था, तुम गई क्यों नहीं उनके साथ? वो लोग थोड़ी जल्दी में थे, उन्हें बाजार भी जाना था और घर पे इतना काम था, थोड़ा बिजी थी मैं, इसलिए नहीं गई। लेकिन बेटा तुम्हें जाना चाहिए था उनके साथ, वो इतनी दूर से आए थे तुम्हें देने के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। सुनो, तुमसे एक बात पूछनी थी बेटा। तुम खुश हो यहाँ? जी मैं खुश हूँ। तुम्हें खुश नजर क्यों नहीं आती? मेरा मतलब है बेटा, तुम्हारी उम्र की बच्चियां तो हंसती खेलती हैं, जिंदा दिल होती हैं, लेकिन तुम से कोई बात नहीं। मैं तो हमेशा से सी रहती हूँ। क्या है समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये देखें, मुझे वाला इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा, इसके इसका लिंक क्या है? 10 बार पहले भी समझाया है ना, ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो? देखो इधर, इसको अगर यहाँ लेके जाएंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है अगर समझ आ जाए तो। अच्छा मैं यहाँ तुम्हारा काम कर रही हूँ, तुम आराम करोगे? हाँ पागल, आगे भी अपना काम खुद करो, पकड़ो। अभी बाबा आएंगे ना, शिकायत करेंगे तुम्हारी। अभी भूख लगी, भूख तो मुझे भी लग रही है। फ्राइज बना, खाओगे? नहीं आती, पहले आपसे छीलेंगी, फिर काटेंगी और फिर फ्राई करेंगी। आप बहुत स्लो, बहुत टाइम लगेगा। अच्छा मैं स्लो? मैं स्लो? इधर आओ, तुम्हारे लिए रोज फ्राइज कौन बनाता है? हमारा तुम्हें अभी बाबा के पास लेके चलो, चलो मेरे साथ। देखो चांद चांद आया, देखो चांद चांद आया, देखो चांद चांद। बन गया है एक ऋषि।
नसीबी।